नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन साक्षी .in में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अगर आप रिश्ता करना चाह रहे हैं और एक शादी के लिए एक वधु की तलाश कर रहे हैं और आपको आपके लिए एक सही जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, आपने काफ़ी जगह से रिश्ते देखे पर आपकी कहीं बात वगैरह नहीं बन पाई, तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं। हमारी संस्था जीवन साक्षी .in ऐसी लड़कियों के बायोडाटा पब्लिश कराता है जिन लड़कियों की आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण रिश्ता नहीं हो पाता, या जिनके हस्बैंड एक्सपायर कर जाते हैं, या फिर जिन लड़कियों और औरतों का तलाक हो जाता है, तो ऐसे रिश्ते हमारी संस्था के माध्यम से पब्लिश किए जाते हैं ताकि आप अपने लिए एक सही जीवन साथी चुन सकें और एक लाइफ पार्टनर मिले आपको जो आपका साथ दे हर कदम पर। लड़कियों की भी ऐसी ही डिमांड रहती है पर उनको भी एक सही जोड़ीदार नहीं मिल पाता, क्योंकि आप जो भी लड़की तलाश करते हैं वो आप तक पहुंच नहीं पाती। तो ऐसे रिश्ते कराने की जिम्मेदारी हमारी संस्था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ताकि लड़की को भी एक अच्छा जीवन साथी मिल सके और आपको भी एक अच्छी लड़की मिले शादी के लिए। तो जो आप स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं, आज हमें इन्होंने अपना बायोडाटा भेजा है। इनका नाम ललिता बंसल है। तो आप ललिता जी के बायोडाटा को अंत तक देखें ताकि आप इनकी प्रोफाइल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकें और आप इनके बारे में पूरी डिटेल वगैरह जान सकें और कैसे रिश्ते की तलाश कर रही हैं वो भी आप जान सकें। अगर आप भी ललिता जी की प्रोफाइल को देखकर आपको लगता है कि आप भी ऐसी ही वधू की तलाश कर रहे थे, तो आप इनसे आगे की बात बढ़ा सकते हैं रिश्ते के लिए। आगे की कैसे आप बात बढ़ाएंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी, तो आप अंत तक बने रहें। ललिता जी की उम्र 32 साल है। इनकी हाइट 5'4" है। एजुकेशन में ललिता जी ने 7वीं तक पढ़ाई की है और इनका तलाक वगैरह हो गया है। इनका कहना था कि इनकी संतान वगैरह नहीं होती हैं, तो जिस वजह से इनका तलाक हो गया है और ये उत्तर प्रदेश हाथरस की रहने वाली हैं। इनकी शादी को 6 साल हो गए थे पर इनके कोई संतान वगैरह नहीं थी, जिस वजह से इनके हस्बैंड इनके साथ मारपीट वगैरह करते थे। इन्होंने इनको काफ़ी समझाया कि बच्चे वगैरह गोद ले लें, पर इनके हस्बैंड काफ़ी पुरानी सोच के थे तो वो नहीं चाहते थे कि वो किसी के दूसरे के बच्चों को पालें, और जिस वजह से इनका तलाक हो गया। अब इनके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं तो इसमें इनकी कोई गलती थोड़ी है, पर इनके हस्बैंड को परेशानी थी जिस वजह से उन्होंने इनको छोड़ दिया, और ये भी नहीं चाहते थे कि इनके साथ इतने अत्याचार हों। इनके हस्बैंड रोज का ही इनके साथ मारपीट वगैरह करते थे और ड्रिंक वगैरह भी करते थे। इनकी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं और तलाक को इनके 6 महीने हुए हैं। तलाक के तुरंत बाद ही इनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और ये अभी दूसरे के घरों में खाना बना के अपना गुजारा कर रही हैं, और ये अभी अपने बहन के यहाँ रह रही हैं। इनकी बहन भी काफ़ी अच्छी है, उन्होंने ही इनका प्रोफाइल भेजा। वो भी चाहती थी कि इनका घर बस जाए और इनको एक जीवन साथी मिले जो इनका साथ दे। उनके द्वारा ही हमें इनका प्रोफाइल वगैरह मिल रहा है और ये दूसरी शादी के लिए जीवन साथी की तलाश कर रही हैं और ऐसे वर की तलाश कर रही हैं जो इनको समझे, इनका सम्मान करे और मारपीट वगैरह ना करे इनके साथ। हिंदू जाति के रिश्ते चलेंगे और ऐसी वर की तलाश है इनको जिनके बच्चे वगैरह हों ताकि इनको कोई परेशानी ना हो जैसा इनके साथ पहले हुआ है। तो ये दूसरे शादी के लिए बच्चे वाले रिश्ते की तलाश कर रही हैं जिनके बच्चे वगैरह हों, और वो भी ऐसी वधू की तलाश कर रहे हों जिनके बच्चे वगैरह नहीं होते हों, ताकि ये आपके बच्चों को संभाल सकें, एक माँ का प्यार दें। और ये काफ़ी अच्छे घर से आती हैं। इनके पास भले ही पैसे नहीं हैं पर ये आपके घर परिवार को अच्छी तरह संभालेंगी, और इनमें पैसों का कोई लालच नहीं है कि लड़का अमीर हो या ज़्यादा करोड़पति इंसान हो, बस एक साधारण जीवन साथी की तलाश कर रही हैं जो इनका सम्मान करे और दो वक्त का खाना खिला सके बिना किसी परेशानी के,
अगर आप इनसे रिश्ता करना चाहते हैं और आप महीने में 6 से 7 हज़ार रुपये कमा लेते हैं तो आप इनसे आगे की बात बढ़ा सकते हैं रिश्ते के लिए। आगे की बात बढ़ाने के लिए जो आप स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर देख रहे हैं इस पर आप मिस कॉल करें ताकि हम आपका बायोडाटा इन तक पहुँचा सकें और ये आपसे संपर्क करके आगे की बात बढ़ाएँ। अगर आपको ललिता जी का प्रोफाइल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल jeevansakshi.in को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए रिश्ते के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।